आदाब, बिजनौर खबर में आपका स्वागत है। देखिए आज की खास रिपोर्ट। सपा, आम आदमी पार्टी तीनों आज भाग नहीं लेंगे अपोजिशन पार्टी की मीटिंग जो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बुलाई है। ये मीटिंग माइग्रेंट लेबरर्स की फ्लाइट को लेकर थी कि किस तरीके से जितने भी श्रमिक हैं जो अपने घर जाना चाहते हैं वो दुखी हैं, उनको कोई जाने का साधन नहीं मिल रहा है और सड़कों पर वो बेचारे पैदल चलकर अपने घरों तक पहुँच गए। क्यों बसपा पार्टिसिपेट नहीं कर रही है इस मीटिंग? देखिए, जहाँ तक बात है कि क्यों बसपा सपा या आम आदमी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, 100% मजदूरों के फेवर में है और मजदूरों के बारे में कुमारी बहन मायावती जी, सोनिया गांधी जी से, राहुल गांधी जी से, प्रियंका गांधी जी से ज्यादा सोचती हैं इस बारे में। दूसरे लोग भी कई पक्षी जो है वो भी ज्यादा सोचते हैं, पर एक्चुअल में ना राजनीति हो रही है, असलियत में उनकी मदद नहीं हो रही। अगर कांग्रेस उनकी मदद करना चाहती है तो जितने भी लोग राजस्थान से उत्तर प्रदेश में गए हैं, ये 1000 बसियां दे रहे हैं, तो उनका किराया उन लोगों से, उन छात्रों से, उन मजदूरों से क्यों वसूल रहे हैं? तो असलियत में ये राजनीति कर रहे हैं। दूसरा, दूसरे प्रदेश जहां पंजाब में इनकी सरकार है वहां मजदूर फंसे हुए, यूपी के ही होंगे, वहां से ये क्यों नहीं उनकी सरकार वहां पे फ्री में भेज रही है? इसके अलावा एक बात और भी है जो कुमारी बहन मायावती जी कहती है और जो सोच रही है, कांग्रेस क्यों नहीं ये प्रश्न करती, क्यों नहीं पार्टिसिपेट करती, मुख्य दल है, बजाय विपक्षियों को एक करने के क्यों नहीं आके टेलीविजन पे कॉन्फ्रेंस करके ये बोलते हैं कि प्रश्न ये नहीं है कि मजदूर कहां से जा रहे हैं और कौन इनका किराया दे, प्रश्न ये होना चाहिए क्यों नहीं ये सोनिया गांधी जी बोल रही है, क्यों नहीं प्रियंका गांधी जी बोल रही है, क्यों नहीं राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि 45 दिन मेट्रोपॉलिटन सिटीज में ये मजदूर भूखे मार दिए सरकार ने, और सरकार ने दूसरी तरफ जब इनको वापस जाने के लिए छूट दी तो देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के सारे प्रोजेक्ट और मेट्रोपॉलिटन सिटीज के सारे बिल्ड के प्रोजेक्ट खोल दिए, तो जब यहाँ लेबर की जरूरत पड़ेगी जब ये जानेंगे वहां परमिशन देने, जब वहां गांव में लोग जाएंगे तो अब 45 दिन वहां जो लोग ये भूखे मरेंगे इनकी खाने की व्यवस्था 45 दिन या 60 दिन कौन देगा, इस पर चर्चा होनी चाहिए। उसके बाद जब इनको लेके आएंगे तो कौन लेके आएगा, इस पर चर्चा होनी चाहिए। अगर ये ले अब भेज रहे हैं तो फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट पूरे देश में, जो एनएचआई के और जो वर्ल्ड बैंक का पैसा आया है, जो सड़कें बन गई, पूरा जाल बिछड़ा है जिसकी सरकार गुणगान करती है, वो तो बगल मजदूरों की तो हो नहीं सकती, बीच में अटक जाएंगे, देश की साख खराब होगी, उस तरफ क्यों नहीं सोचते? तो सोनिया गांधी जी या राहुल गांधी जी, प्रियंका जी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश को ये क्यों नहीं चेता रहे? दूसरा, इनको ये राजनीति कर रहे हैं, यूपी में इनका 2 या 3% वोट है कि 6% वोट है, जहां गुजरात है, जहां बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं, जहां पे राजस्थान है, जहां पे मध्य प्रदेश है, जहां पे छत्तीसगढ़ है, जहां पे महाराष्ट्र है, जहां इनकी 1-2% वोट बढ़ने से बीजेपी हिल जाएगी, ये वहां क्यों नहीं जोर लगाते? या यूपी में इनका है तो कुछ है नहीं, यूपी में उठा करके जोर लगा रहे, अरे वहां बसपा का है, सपा का है, वहां इनका कुछ है नहीं। असलियत में देश में बीजेपी को ये लाना चाहते हैं। अगर यूपी को छोड़ के देश के हिस्सों में जोर लगाए, बीजेपी वहां से साफ हो, यहाँ सपा बसपा का है, यहाँ आरएलडी का है, यहाँ ये लोग इस स्थिति में है कि अपना भाजपा को टक्कर दे लेंगे, बेसिकली राजनीति हो रही है, इसलिए उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनकी पॉलिसीज हवा में है, इनकी पॉलिसीज नकली है, इनकी पॉलिसीज राजनीति से प्रेरित है। हमारी बहन मायावती असलियत में जमीन पर जाके काम कर रहे हैं मजदूर। पर आपको लगता है जो मुद्दे आपने उठाए हैं, जो उठानी चाहिए कांग्रेस को, अगर बीएसपी सुप्रीमो मायावती पार्टिसिपेट करती है इस मीटिंग में, तो इस मीटिंग में वो ये सब मुद्दे उठा सकते हैं? नहीं, उनको इस मीटिंग इसमें पार्टिसिपेट, ये जो कांग्रेस कर रही है पूरे विपक्षियों को लेकर के, बजाय इनसे बात करने के सरकार में क्यों नहीं बात कर रहे, प्रश्न ये उठता है। जहां तक बात है जिन मुद्दों को उठाना चाहिए, हमने 10 दिन पहले भारत सरकार को ये चिट्ठियां लिख करके भेजी है इस इशू पे, 10 दिन पहले भेजा है, 3 दिन पहले भी हमने पत्र भेजे हैं,
तो इसमें और बहन जी इस पूरे देश के बारे में सोच रही है, बहन जी लोग ट्वीट कर रही है पंजाब से लोग हमने मंगाए हैं, तो हम तो अपने स्तर पे जो मैक्सिमम मजदूरों के लिए कर रहे काम, इन्होंने दुख देखा नहीं है, बचपन मजदूरों का देखा नहीं है, सब सोने की चम्मच लेके पैदा हुए, इनको मजदूरों से कोई पता मतलब नहीं है, राजनीति कर रहे हैं, नंबर आ रहे हैं, टू व्हीलर के नंबर आ रहे हैं, फोर व्हीलर के नंबर आ रहे हैं, कारों के नंबर आ रहे हैं बस की जगह, और जहां से इनकी सरकार है बसों को ये भेज ले रहे हैं। मायावती जी ने आज ट्वीट किया है जो 36 लाख का बिल राजस्थान सरकार ने दिल्ली गवर्नमेंट को भेजा है, जिस बस से कोटा के बच्चे वापस भेजे गए, इस पर आज एक ट्वीट किया है बस का। नहीं तो बिल्कुल जो ट्वीट किया तो सच है बात कि एक तरफ तो 1000 बस भेज रहे हैं नोएडा से गाजियाबाद से आदि आदि ढंग कर रहे हो, और उधर तुम जो छात्र आ रहे हैं उनसे कई गुना पैसा ले रहे हो, उधर जो तुम लोग भेज रहे हो 36 लाख रुपए उनके रिकवरी कर रहे हो, तुम तो क्लियर है ये गरीबों की, दलितों की, मजलूमों की फिक्र करती नहीं है ना, इनको असलियत तक वहां तक पहुंच पाते हैं ये लोग जहां तक पहुंचना चाहिए।